अस्सलामुअलैकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको पेंटिंग बताने वाली हूँ और आप देख सकते हैं मैंने ट्रेस पेपर पर डिज़ाइन ड्रा किया हुआ है और इसको सुई से इसमें हॉल बना रही हूँ, जो भी आउटलाइनिंग है उसमें हॉल बना रही हूँ। और इसी तरह से हम इसको हॉल बनाने के बाद मैं मिट्टी के तेल और नील से इसको कन्वर्ट करूँगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और मेरे चैनल पे नए हैं, मेरी और भी बहुत सारी पेंटिंग्स देखना चाहते हैं तो मुझे मेरे दूसरे चैनल पे फॉलो करें, मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है सालिया पेंटिंग। और ये मेरा दूसरा चैनल है जिसका नाम है सिद्रा, इस पर मैं बहुत सारी वीडियोज़ अपलोड करती हूँ कई तरह की। तो इस पर आज मैं पेंटिंग अपलोड करने वाली हूँ, तो फ्रेंड्स इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगर आपको इसमें की इस चैनल की वीडियो अच्छी लगती है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और अगर पेंटिंग का आपको शौक़ है तो आप मेरे सालिया पेंटिंग वाले भी चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं इस पे भी मैं पेंटिंग डालती हूँ, इसको भी सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही मेरी वीडियो को शेयर कर दें। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं मैं डिज़ाइन में पूरी जितनी भी आउटलाइनिंग हैं उस पर मैं होल बना रही हूँ और होल बनाने के बाद मैं इसको पिलो वॉल पे कन्वर्ट करूँगी, उसके बाद आपको पेंटिंग बताऊँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग हमारी डिज़ाइन हो चुकी है, आपको मैं दिखाती हूँ करने के बाद। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं लगभग डिज़ाइन हमारी, हमने पूरी डिज़ाइन में होल बना लिया है। अब हम इसको कपड़े पे कन्वर्ट करेंगे। तो हमने कपड़ा लिया है, पिलो कवर लिया है जो कि कॉटन का है और पेंटिंग के लिए कॉटन कपड़ा बेस्ट होता है, उस पर हमारी पेंटिंग बहुत खूबसूरत आती है, जैसा हम बनाना चाहें वैसा बन जाता है। और इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने कपड़े को बिछा लिया है और उस पर इस तरह से रखेंगे ट्रेस पेपर को जो हमने डिज़ाइन किया है। और हमने यहाँ पर नील और मिट्टी का तेल लिया हुआ है, नील हमारी कम रहेगी, मिट्टी का तेल ज़्यादा रहेगा। और इस तरह से हम कॉटन की मदद से इसको रफ़ करेंगे ऊपर की तरफ, ट्रेस पेपर के ऊपर रफ करेंगे और हमारी डिज़ाइन इस तरह से हमारी डिज़ाइन आ जाएगी कपड़े पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे कपड़े पे डिज़ाइन आ चुकी है और हम इसकी पेंटिंग करेंगे। तो इसकी पेंटिंग बताते हैं, पहले हम जो हमारा ग्रीन वर्क रहेगा यानी कि जैसे ग्रीन लीफ वगैरह जो रहेगी पहले हम उसे करेंगे, फ्लावर बाद में करेंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं। इसमें हमने लिया है 2 नंबर फ्लैट ब्रश लिया हुआ है और 2 नंबर फ्लैट ब्रश से हमें पेंटिंग करने में बहुत आसानी होती है और जो भी बिगिनर्स हैं उनको भी काफ़ी आसानी होगी 2 नंबर फ्लैट ब्रश से करने में। और जो जिनको नहीं समझ आता है, जिनसे 2 नंबर ब्रश से नहीं बनता है, वो 1 नंबर का पिन ब्रश यूज़ कर सकते हैं, पिन ब्रश का यूज़ करेंगे तो भी वो आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सैप ग्रीन लगाया और सैप ग्रीन लगाना पहले हम जो भी लीफ वगैरह हमारी हैं सैप ग्रीन से हम बनाएंगे। और इस तरह से आप देख सकते हैं ये हमारा सैप ग्रीन है, जो भी छोटी छोटी फ्लावर के नीचे की पत्तियां होती हैं बारीक वाली, ये मैं डंठल और उसकी पत्तियां बना रही हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से ग्रीन कलर लगाने के बाद हम कॉर्नर पर वाइट कलर लेंगे, इस तरह से आप देख सकते हैं इस तरह से कॉर्नर पे उठाएंगे कलर और इस तरह से एक साइड से फिर दूसरी साइड से लीफ में लगाएंगे, छोटी लीफ में। इससे हमारी जो लीफ ऊपर नीचे जैसे रहती है तो हमारी पूरी समझ आती है कि कौन सी ऊपर है कौन सी नीचे है, इस तरह से समझ आता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी जो डंठल है वो नीचे दिख रही है और लीफ ऊपर दिख रही है इस तरह से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मैं दूसरी डंठल बना रही हूँ फ्लावर की, अभी उसमें कुछ क्लियर दिख नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है मानो मिली हुई है। अब हम इसमें थोड़ा सा वाइट कलर लगा देंगे तो हमारी डंठल अलग दिखने लगेगी और पहली वाली डंठल के ऊपर दिखेगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे दिख रही है, मानो नीचे से ये नीचे वाली के ऊपर है ये डंठल, ऐसी दिख रही है। तो इस तरह से हमें अपनी पेंटिंग में बनाना है कि वो क्लियर दिखे कि कौन सी ऊपर है और कौन सी नीचे है, कौन सी दबी हुई है, इस तरह से समझ आता है हमें कलर डबल शेड देने के बाद हमारे फ्लावर में यही क्लियर हो जाता है कि कौन सी डंठल ऊपर है कौन सी नीचे है। हम जब उस हिसाब से पेंटिंग करेंगे तो हमारी पेंटिंग में खूबसूरती भी आएगी और
कैसी वो किस तरह से है वो भी दिखेगी, यानी कि 3D दिखेगी कुछ इस तरह की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी हमारा ग्रीन कलर का वर्क रहेगा उसको हम करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं ग्रीन कलर का लगाने के बाद इसमें वाइट कलर का शेड लगा रही हूँ सैप ग्रीन में, और इसमें मैंने सिर्फ सैप ग्रीन और वाइट का यूज़ किया है लीफ में। वैसे मैं डार्क शेड देने के लिए कोई और कलर यूज़ करती थी लेकिन इसमें नहीं कर रही हूँ, डायरेक्ट सैप ग्रीन और वाइट का यूज़ कर रही हूँ। दो ही कलर में हमारा सब अच्छा सा जो है पेंटिंग हो रही है अच्छी सी, आप देख सकते हैं, और बहुत खूबसूरत है पेंटिंग, काफ़ी अच्छी सी बनी है। तो चलिए मैं आपको लीफ बनाती हूँ। लीफ को पहले हमें इस तरह से नुकीला नुकीला बनाना है। नुकीली लीफ को बनाने के बाद इस तरह से पहले किनारे इसी नुकीली आउटलाइनिंग कर लें, और उसके बाद अंदर में जो अंदर हमारा है उसमें पूरा सैप ग्रीन फिल कर लें इस तरह से। और ये काफ़ी आसान है और इजी है लीफ बनाना। इसमें भी मैं एक ही कलर लगा रही हूँ, दो कलर लगा रही हूँ, सैप ग्रीन और वाइट, दो ही शेड से हमारी लीफ अच्छी सी तैयार हो जाएगी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह से कुछ हम कलर को फिल कर लेंगे, फिल करने के बाद इसमें वाइट कलर का शेड देंगे। तो आप वो भी देख लीजिए कि वाइट कलर का शेड किस तरह से देना है। शेड देने के लिए यहाँ से इस तरह से नोक पे हम वाइट कलर घुमाते जाएंगे इस तरह से ब्रश से अपने कलर को आउटलाइनिंग देंगे, और आउटलाइनिंग इस तरह से नुकीली आउटलाइनिंग देने के बाद हम उसका शेड हल्का हल्का इस तरह से शेड दे देंगे। काफ़ी खूबसूरत सी दिख रही है लीफ भी हमारी, और आपको भी दिख रहा होगा अच्छी सी लीफ दिख रही है हमारी इस तरह से। तो एक साइड का हम अगर आप, मैं ऐसे ही बना रही हूँ, अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो अपनी तरफ मतलब शेड को अपनी तरफ घुमा लें और खींचते अपनी तरफ खींचते हुए दें, तब आपका शेड जो है अच्छा बनेगा और प्रिंटिंग अच्छी होगी। मैं जिस तरफ से बैठी हूँ उसी तरफ से कर रही हूँ, और इस तरह इस सब बातों का ध्यान देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और आपका जो आपकी जो पेंटिंग है वो अच्छी बनेगी। Thank you.
चलिए फ्रेंड्स, आप यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ हमारी जो है कि लीफ कंप्लीट हो चुकी है कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। और अब हमें फ्लावर करना है। तो यहाँ पे मैं दो कलर लेके चेक कर रही थी कि कौन सा कलर ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने पहले गोल्डन येलो लगाया है, फिर ऑरेंज कलर का शेड दे रही हूँ। तो यहाँ पे आप ऑरेंज कलर को स्किप करके रेड कलर का शेड दूँगी मैं, क्योंकि हमें रेड कलर का शेड देना है गोल्डन येलो पे। रेड कलर ज़्यादा सूट करता है और ज़्यादा अच्छा दिखता है। और ऊपर से हम वाइट कलर का शेड देंगे। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। और अगर आप पूरा फ्लावर बनाते हुए देखना चाहते हैं तो वीडियो को स्किप ना करें और पूरा देखें, ताकि आपको क्लियर और अच्छे से समझ आ सके और आप जो पेंटिंग करना चाहते हैं आराम से उसको आसानी से कर सकें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं गोल्डन येलो हम इस तरह से पहले फिल करेंगे। गोल्डन येलो फिल करने के बाद हमें निचले हिस्से में हमें रेड कलर का शेड देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड कलर लेंगे नोक पे और इस तरह से हल्का सा ऊपर की तरफ फैलाएंगे। और इस तरह से आप देख सकते हैं बहुत लाइटली शेड देना है हमें रेड कलर का। और इससे हमारा जो फ्लावर है वो काफ़ी अच्छा दिखेगा। थोड़ा सा डार्क बनाना है हमें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं ये गोल्डन येलो का फ्लावर बना रही हूँ। और इसमें मैंने पिलो कवर पे तीन फ्लावर बनाया है, जैसे कि आप देख सकते हैं तीन फ्लावर बनाया है। और इसमें मैं एक फ्लावर की पेंटिंग आपको बताऊंगी और दो फ्लावर की पेंटिंग मैं अपने सालिहा पेंटिंग चैनल पे अपलोड करूंगी। अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और आपको सारी पेंटिंग वहीं पर मिलेगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर गोल्डन येलो फील करना है। इसके बाद हमें नीचे से रेड कलर का शेड देना है। यहाँ पे मैं ट्राई करने के लिए ऑरेंज कलर लगा रही हूँ। तो ऑरेंज कलर आप ना लगाएं गोल्डन येलो में। ऑरेंज कलर का शेड देना है तो आप लेमन येलो में ऑरेंज कलर का शेड दें, गोल्डन येलो में ना दें। गोल्डन येलो में आपका जो है ऑरेंज कलर का शेड उतना खूबसूरत नहीं दिखता है। वही अगर आप लेमन येलो में ऑरेंज कलर का शेड देंगे तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा। और गोल्डन येलो में आपको रेड कलर का शेड देना है। गोल्डन येलो में रेड कलर का शेड देंगे तो आपका जो शेड है वो काफ़ी खूबसूरत दिखेगा, अच्छा दिखेगा। और मैं दो ही लीफ में ऑरेंज कलर का यहाँ पर शेड देख रही थी, बट उतना ख़ास नहीं दिख रहा है। इसके लिए मैंने ऑरेंज कलर को स्किप कर दिया है और रेड कलर का शेड दूंगी गोल्डन येलो में। ये गोल्डन येलो का फ्लावर मैं बना रही थी गोल्डन येलो कलर। तो पहले गोल्डन येलो को फिल करेंगे, फिर नीचे से रेड कलर का शेड देंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं रेड कलर का शेड हो गया है। और उसके बाद ऊपर से वाइट कलर का शेड देंगे। और इस तरह से हमारा खूबसूरत सा फ्लावर तैयार होने वाला है। अभी आप देखेंगे कितना खूबसूरत लगेगा ये फ्लावर। तो फ्रेंड्स, बहुत ही शॉर्ट वीडियो है, समझ लो कि बहुत ही छोटी वीडियोस है। और आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको बराबर समझ आ जाएगा और आप पेंटिंग भी एकदम आराम से सीख सकते हैं। बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो कहते हैं स्टार्टिंग से हमें कोर्स करवाइए, स्टार्टिंग से बताइए। तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं कहाँ से बताऊँ, लेकिन जो मुझे आता है फ्रेंड्स मैं वो आपको बता देती हूँ कि किस तरह से क्या बनाना है। अगर आप इसमें ही ध्यान देंगे तो आपको आ जाएगा बेसिक, और ये वो कुछ भी नहीं होता है। अगर आप इसे भी करना चाहें तो आप ये भी कर सकते हैं। कोई प्रोफेशनल बेसिक, प्रोफेशनल मतलब होता है 3D टाइप, उतना तो मुझे भी अभी समझ लो कि आता ही नहीं है। आप तो ये सब देखते हैं आप लोग कि आपका बड़कपन है कि आप मुझे कहते हैं मैं बहुत अच्छी बनाती हूँ। तो उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया करती हूँ, दिल से शुक्रिया करती हूँ कि आप मेरी पेंटिंग का बहुत तारीफ़ करते हैं, मेरी पेंटिंग की आप बहुत तारीफ़ करते हैं आप सब। इसके लिए मैं शुक्रिया करती हूँ आपको और थैंक यू सो मच। लेकिन मैं उतना अच्छा नहीं बनाती जितनी आप तारीफ़ करते हैं। अगर आप भी बनाएंगे तो मुझसे अच्छा बना सकते हैं। और ये सब मुश्किल कुछ भी नहीं है, अगर इंसान करना चाहे तो क्या नहीं कर सकता है। तो अगर आप कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर आ जाएगा, आप भी कर पाएंगे, कोई मुश्किल नहीं है। छोटे छोटे से फ्लावर बनाएं, उस पर प्रैक्टिस करें। अगर आपका हाथ नहीं साफ़ हुआ तो कहना
क्योंकि मैं भी सीखी नहीं हूँ, और बिना सीखे जब मैं बना सकती हूँ तो फिर आप क्यों नहीं बना सकते हैं, आप भी बना सकते हैं। थोड़ी सी कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आप भी मुझसे अच्छी पेंटिंग कर सकते हैं। इंसान को थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, कोई सीख के नहीं आता है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, देखते देखते हमारा जो आधा फ्लावर है वो हो चुका है, और अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसको भी ध्यान से देखिए कहाँ कौन सा कलर मैंने लगाया, क्योंकि ये सब बहुत ज़रूरी होता है थोड़ा सा लाइट डार्क करना, क्योंकि ये सब अगर आपको समझ आता है तो आपका फ्लावर अच्छा बनेगा, अच्छा दिखेगा। तो आप पेंटिंग को ध्यान, मेरी वीडियो को ध्यान से देखें अगर पेंटिंग सीखना चाहते हैं तो, हर स्टेप को ध्यान से देखें ताकि आपको क्लियर समझ आ सके। और फ्रेंड्स मैं आपको कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी बहुत सारी डिज़ाइन एक साथ देखनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, और अगर आपको यूट्यूब डिज़ाइन से कोई भी डिज़ाइन पसंद आती है, अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो मेरे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट करें और अपनी मनचाही डिज़ाइन अपने घर मंगवा सकते हैं। आपको सिर्फ पैसे जो है ऑनलाइन पेमेंट करना रहेगा और घर अपना एड्रेस देना रहेगा, आपकी डिज़ाइन आपके घर पर होगी 6 दिनों में। तो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनको यकीन नहीं रहता है कि डिज़ाइन नहीं जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं फ्रेंड्स, मैं आपके दो कुछ रुपए जो है, चंद रुपए मैं आपके जो है लेके राजा नहीं हो जाऊंगी, और चंद रुपए के लिए मैं अपना ईमान नहीं ख़राब करूंगी। और बहुत सारे फ्रेंड डरते हैं कि उनका पैसा ख़राब हो जाएगा, मतलब डिज़ाइन नहीं जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप मेरे यहाँ पैसे भेजते हैं तो मैं डिज़ाइन ज़रूर भेजूंगी, और ज़रूर इंशाल्लाह आपको डिज़ाइन मिलेगी। मेरा चैनल है, मैं यही सब काम करती हूँ, और मैं किसी के पैसे नहीं ले सकती, और बिना वजह मैं किसी के पैसे बिल्कुल नहीं ले सकती, क्योंकि बिना मेहनत के पैसे खाना हराम है। और मैं ये सब पैसे नहीं ले सकती। तो फ्रेंड्स अगर आप कोई डिज़ाइन मंगवाना चाहते हैं तो मंगवा सकते हैं, मेरे नंबर पे कांटेक्ट करें। और कैसी लगी मेरी वीडियोस कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही मेरे वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। फिर आऊँगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।